नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सोरेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें डिसऑर्डर हो जाते हैं, उसके कारण हमारी स्किन पे या त्वचा पे पैचेस वाली कंडीशन हो जाती है और ड्राई स्केली पैचेस हो जाते हैं। ये सिल्वर ग्रेइश कलर के होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है और कॉमनली पेशेंट में ये देखा गया है कि ये बीमारी लाइफ लॉन्ग चलती है, मतलब ये बीमारी बहुत लंबी चलती है और कई लोगों को पूरी उम्र रहती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोरेसिस के बारे में। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, इसका कॉज क्या होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं और इसमें हम क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सोरेसिस का कोई फिक्स कॉज नहीं है और इसके बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर हैं जिनके कारण हमारे शरीर में ये बीमारी हो जाती है। जैसे कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उनको ये बीमारी हो सकती है। सर्टेन मेडिकेशंस के कारण, कोई इन्फेक्शन हो गया है, स्किन का इन्फ्लेमेशन हो गया है, कोई कट हो गया है, कोई इंजरी हो गई है या कोई हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया है। जैसे कि फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे भी ये कंप्लेंट आ जाती है। सोरेसिस रन्स इन फैमिली, मतलब यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में लोगों को सोरेसिस हुआ है तो उस पेशेंट को सोरेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें एक चीज और ये देखी गई है कि पेशेंट यदि बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहा है, यदि स्मोक कर रहा है तो भी ये ट्रिगर कर जाता है और कोल्ड ड्राई वेदर में ये कंप्लेंट ज्यादा देखी गई है। दोस्तों, सोरेसिस एक कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है, मतलब सोरेसिस ऐसी बीमारी है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है। यदि अब हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें नंबर वन पे है कि पेशेंट को ये बहुत ही स्मॉल हिस्से में होती है, बहुत छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, लेकिन जब पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो जाती है तो वो स्पॉट्स बढ़ जाते हैं, मतलब वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। नंबर टू, इसमें पेशेंट को इन्फ्लेमेशन होती है, इसलिए पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग होती है और सोरनेस होती है, बर्निंग होती है और इतनी ड्राइनेस और इचिंग और बर्निंग के कारण पेशेंट को कभी कभी स्क्रैचिंग करते करते ब्लीडिंग भी होने लगती है। यह कंडीशन शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली देखा गया है एल्बो, स्काल्प, हमारे जो फिंगर के नेल्स के नेल बेड होते हैं या टो नेल्स होते हैं इनमें, या पाम में, या हम अपने फीट में, सोल्स में भी ये देखे गए हैं। इनका साइज भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में छोटे मिलते हैं, किसी में बड़े मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली राउंडेड सिल्वर कलर के ग्रेइश स्पॉट या पैचेस पेशेंट को मिलते हैं। इसमें चार पांच तरह के सोरेसिस मोस्ट कॉमनली देखे गए हैं। इसमें नंबर वन पे है प्लाक। प्लाक सोरेसिस में क्या होता है, पेशेंट को पूरी बॉडी में स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाती हैं जो सिल्वर ग्रेइश कलर के होते हैं। नंबर टू, एक होता है नेल बेड पे या नेल पे सोरेसिस बोलते हैं उसको, वो नेल बेड और इसके टो नेल्स पे हो जाता है और इसमें कभी कभी बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ होती है नेल की और नेल पूरी तरह से टूट जाता है या डैमेज हो जाता है। एक होता है इनवर्स सोरेसिस, इसमें पेशेंट को जो बॉडी के फोल्ड होते हैं, चाहे वो ग्राइन रीजन में हो, चाहे वो एल्बो का फोल्ड हो, वहां पे ये इन्फेक्शन हो जाता है और स्पेशली ये जो सोरेसिस है वो फंगल इन्फेक्शन के बाद होता है। इसके बाद होता है एडोडर्मेटिक सोरेसिस, यह पेशेंट के पूरी बॉडी को धीरे धीरे कवर कर लेता है, ये बहुत लीस्ट कॉमन होता है और एक सीरियस कंडीशन। एक और टाइप होता है पस्युलर, ये हमारे शरीर में बहुत ही बारीक स्पॉट के फॉर्म में होते हैं जिनमें पस भरा हुआ होता है, ये ब्लिस्टर की तरह दिखते हैं, इनमें पेशेंट को बहुत पेन होता है और पेशेंट के सोल्स में, मतलब पैरों के पंजों में और हाथों में या हथेलियों में भी ये बहुत कॉमनली देखे गए हैं। इसके दो बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन है। इसमें नंबर वन पे ये है कि किसी किसी पेशेंट में अनएक्सपेक्टेडली ये बहुत ही फ्लेयर अप हो जाता है और पेशेंट के पूरी बॉडी में रेशेस हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं और इसको क्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नंबर टू, जब किसी के जॉइंट पे सोरेसिस की कंडीशन होती है तो उसको सोरेसिस आर्थराइटिस हो जाता है, तो उसके जॉइंट्स में आर्थराइटिस वाले सिम्टम्स आने लगते हैं, जो उसके जोड़ हैं उनमें जकड़न आएगी, उनमें स्वेलिंग रहेगी और बहुत पेन हो जाता है। यहाँ पर अब हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। दोस्तों, सोरेसिस के केस में अकेले सिम्टम के बेस पर मेडिसिन नहीं दी जा सकती, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है, उसके ट्रिगर फैक्टर देखे जाते हैं, उसके बाद ही कुछ मेडिसिन निकल के आती हैं। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम।
इस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा होता है कि ये बहुत ज्यादा एंशियस होता है, रेस्टलेस होता है, अपनी बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, ये बहुत नीट एंड क्लीन रहना चाहता है, इसकी स्किन बहुत ड्राई होती है, स्केली होती है, इसलिए इसकी सारी कंप्लेंट विंटर में ज्यादा बढ़ जाती है। उसको अपने स्किन के इरप्शन में बहुत इचिंग होती है, उसके बाद वो फॉलोड बाय बर्निंग मिलेगी, सोननेस मिलेगी, तो ये ऐसे कंप्लेंट ट्रिगर होती है और पेशेंट को सोरेसिस फुल फॉर्म में हो जाता है। इसमें नंबर टू पर मेडिसिन है पेट्रोलियम। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट का सोरेसिस स्ट्रेस के कारण ट्रिगर कर जाता है या कोल्ड वेदर के कारण ट्रिगर कर जाता है, क्योंकि इसमें पेशेंट की स्किन बहुत ड्राई होती है, स्केली होती है, लेदी लाइक होती है, एक पूरी लेयर बन जाती है, और जब भी पेशेंट उसको स्क्रैच करता है तो वहां पे निशान पड़ जाते हैं, वहां पे पैचेस हो जाते हैं और पेशेंट को ब्लीडिंग भी होने लगती है। पेशेंट को ये जो इचिंग है वो रात में बढ़ जाती है, और जो बिस्तर की गर्मी से है, जब वो बिस्तर में लेटता है तो उसकी कंप्लेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। इस कड़ी में नेक्स्ट मेडिसिन आती है सीपिया। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट में हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण ये कंप्लेंट होती है। जैसे पेशेंट को बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करता है, उसको आइसोलेशन चाहिए, उसको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत डाउन होता है, तो यदि इस तरह की कंडीशन बनती है तो सीपिया अच्छा काम करेगी। यदि वेट वेदर है, यदि पेशेंट बहुत टाइम तक गीला बना हुआ है, उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाद यदि सोरेसिस फ्लेयर अप हो गया है तो भी सीपिया अच्छा काम करती है। इस कड़ी में लास्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को रेनी वेट वेदर में, डैम्प वेदर में यह कंप्लेंट बहुत ज्यादा फ्लेयर अप हो जाती है। पेशेंट को बहुत इचिंग होती है, उसको रेशेस मिलते हैं, कभी कभी पेशेंट को इसमें अर्टिक्युलेट लाइक इरप्शन भी मिल सकते हैं। इसमें एक चीज और होती है, पेशेंट को मेनली ये ज्वाइंट पे भी होगा और उसको साथ साथ मस्कुलर स्टिफनेस या ज्वाइंट की स्टिफनेस भी मिल सकती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके सोरेसिस की प्रॉब्लम को समझने में, ट्रीट करने में हेल्प मिली है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।